तहसील छाता के गांव दोताना में प्रगति के चाहने वाले प्रोफेसर एलपी शर्मा एवं उद्यान विभाग एवं गांव के ही मेंबर द्वारा करीब 1400 वृक्षारोपण किया गया। प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि इस महीने वृक्षों का रोपण करना बहुत ही पवित्र होता है एवं अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ एवं शुद्ध बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधों को वृक्षारोपण करना चाहिए। यूथ के लिए संदेश के तौर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को वर्तमान तौर पर राष्ट्र हित के कार्यों में जोड़ना चाहिए एवं प्रदूषण जैसी समस्याओं की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण करने में प्रोफेसर एलपी शर्मा, समाज सेवी जाहिद लंबरदार, उद्यान विभाग से दीनदयाल व एवं गांव दौताना के व्यक्ति भी शामिल रहे। तहसील छाता जनपद मथुरा से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट। आपसे जाने, आज जो आपने वृक्षारोपण किया है, क्या कुछ किस उपलक्ष्य में किया है? देखिए, ये श्रावण का महीना है और वृक्षारोपण कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और ये इतना पवित्र और इतना निर्माणकारी ये सत्कर्म है कि इस माह में इस पौधों का आरोपण न केवल राष्ट्रहित के लिए अपितु धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के कोऑर्डिनेटर के रूप में इस स्थान से एक पीछे के बहुत एक लंबे अरसे से जुड़ा रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ जाहिद अली साहब हैं और गांव के लोग हैं के साथ मिलकर के कई बार वृक्षारोपण का कार्य किया, यहाँ की सफाई इत्यादि भी की है और आज ये वन विभाग के अधिकारी भी हैं, दीनदयाल जी भी हैं और उद्यान विभाग के ये यहाँ अधिकारी हैं। तो इन लोगों की प्रेरणा और इनके सहयोग के अंतर्गत आज यहाँ ये वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। तो कितने वृक्ष लगाए हैं आपने यहाँ पर? ये वृक्ष करीब कुल मिला के पूरी बस्ती जो वहाँ गांव में और यहाँ मिला करके तो लगभग 4000 के आसपास हैं, लेकिन यहाँ भी 1012 से ऊपर है और इससे अधिक ही वृक्ष हैं जो आरोपित किए जा रहे हैं। आप यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों के लिए? देखिए, यूथ के लिए और जन सामान्य के लिए मेरा ये संदेश है कि वो राष्ट्रहित से जुड़ें। वर्तमान में जो प्रदूषण की जो भयंकर समस्या है, जिससे कोरोना आदि बीमारियां भी जो विकसित हो रही हैं, इसके निष्कासन और इनके दूरीकरण का एक ही उपाय है और वो ये है कि वे अपने वातावरण से प्रदूषण को हटाएं। और प्रदूषण को हटाने में वृक्षारोपण से उत्तम और कोई कार्य नहीं है। वृक्ष न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण भी करते हैं। इसके अतिरिक्त भी और अन्य गैसेस हैं जो जहरीली हैं, उनका भी शोषण करके उन्हें समाप्त करते हैं और वातावरण को बहुत ही आनंदमय और स्वस्थ और स्वच्छ बनाते हैं। हो गया ना? दौताना उद्यान विभाग दौताना इकाई के उपलक्ष में यहाँ पे वृक्षारोपण आज किया गया है, जिसमें हम लोगों ने जो काफी तरह के वृक्ष लगाए हुए हैं और आगे भी वृक्ष लगा के सबके लिए हम यही सहयोग करेंगे कि सब लोग वृक्ष लगाएं अपने, जैसे कि प्रदूषण भाग यहाँ से हवा बढ़िया स्वस्थ और स्वच्छ बनती है। बस